बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टी एस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, चंद वजूहात की बिना पर पिछले एक महीने से मैं मसरूफ रहा, इसीलिए कोई भी वीडियो अपलोड ना कर सका। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल होगी, यानी आप में से चंद दोस्त ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश के कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरह से आते हैं, उनको हर तरीका पता होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने हैं, उनकी पहचान क्या है। इसी तरह और भी जितने भी, जिस तरह प्रेजेज हो गए, नाउन प्रेज, एडजेक्टिव प्रेज, प्रीपोजिशनल प्रेजेज, क्लॉजेस, तो वो दोस्त जिन दोस्तों को इन चीज़ों में महारत हासिल है, अगर वो अपनी आवाज़ में खुद ही कोई वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दे, मैं उनको चेक करूँगा। मुझे जो भी पसंद आए तो उनके साथ मैं डील करूँगा, तो वो मेरे लिए रिकॉर्डिंग करेंगे, मैं उसको उनकी पेमेंट करता जाऊंगा, और उनके जो वो वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे उसको मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो जितने भी वीडियोस आप रिकॉर्ड करेंगे तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दिया करें, देखते हैं, फिर चेक करेंगे। तो आपने शुरू किया था दोस्तों पीएसटी मॉडल पेपर नंबर सेकंड, जिसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इस वक्त पार्ट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, क्वेश्चन नंबर 41 देखें, दिस वन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा एंड द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी इज में करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, 42, मिल्क टर्न्स सोर, दूध जो खराब हो जाती है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, केमिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में दोस्तों ये रखें कि जो चेंज रिवर्सिबल हो, जिसको रिवर्स किया जा सके, तो उसको हम फिजिकल चेंज कर कहते हैं, और जो चेंज रिवर्स ना होता हो तो उसको केमिकल चेंजेस कहते हैं। जिस तरह पानी से बर्फ बनना, तो बर्फ से अगेन उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, पानी बना लेते हैं, तो वो फिजिकल चेंज है। यहाँ पर दूध जो एक दफ़ा ख़राब हो जाती है, टर्न सोर, वो दोबारा नहीं, तो ये केमिकल चेंज है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। एक और मिसाल, जिस तरह लकड़ी का जलना, ठीक है, तो वो भी केमिकल चेंज है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का प्रोटॉन का जो तादाद है 7 है न्यूक्लियस में, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 44, दैट्स इट, हाउ इज द वेदर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने चेक किया, क्वेश्चन को जरा देखिए, दे सेड हाउ इज द वेदर, वेदर कैसा है, तो इसमें ऑप्शन ए, दे आस्क हाउ वाज द वेदर, एंड ऑप्शन सी, दे आस्क हाउ द वेदर वाज, तो मुझे ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं। ये बहरहाल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी मजीद रिव्यू करना है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट सुटेबल, ज़्यादा सुटेबल जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन ए भी करेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45, द सिनोनिम ऑफ चीयर इज, चीयर यानी खुशी, डिलाइटेड, डिलाइट ऑप्शन ए, और इसका एंटोनिम ऑप्शन बी, सैडनेस, परेशानी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46, 46 नंबर क्वेश्चन को, डू नॉट वेस्ट टाइम, चेंज इन टू पैसिव, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, याद रखे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन
ये हुक्म या फिक्रे होते हैं तो इस तरह फिक्रे को लेट हमेशा लगाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। यह हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह का लक़ब था अमीनुल उम्मत। ऑप्शन जी में इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सबक इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई सबक है। ऑप्शन जी में करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु फाउंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कहाँ और किसने फाउंड किया था? तीन क्वेश्चन याद रखें, ठीक है। तो ये 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में AOH मैंने फाउंड किया था। सिमिलरली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन कोलकाता 30 दिसंबर को हुआ था और 1906 को। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन, विच रेंज इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर प्लेटियो, ये स्पेलिंग गलत लिखा है, पेटियो ये प्लेटियो, ये पामीर प्लेटियो, ये स्पेलिंग इसके करेक्ट करेक्शन कर ले। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पावर नंबर क्वेश्चन, अमीबा पेरामीशियम एंड ऑल्जी आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेस्टा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर देखिए 53, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, याद रखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के तीन अकसाम है, वाटर लैंड एंड एयर, वाटर लैंड एंड एयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ एन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 54 देखे, पेंगुइन इज अ बर्ड दैट लीव्स ऑल, कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बर्ड है या एनिमल है, तो यहाँ पर पता चल गया दैट इज बर्ड एंड दैट लीव्स ऑन आइसबर्ग्स, याद रखिए सुनो ये आइसबर्ग्स पे इसके साथ इसका लफज आ सकता है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 55, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ सकता है एंड दैट इज बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 देखे, विच ये स्पेलिंग इसकी करेक्शन कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड CH3COOH, ठीक है एसिटिक एसिड, इसको विनेगर सिरका जो हम कहते हैं इसको करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज द सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन, ऑप्शन ए। एंड क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 ये क्वेश्चन देखिए, आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, इसको पहले एक पेपर में इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ काफ़ी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 451,000 देखिए, 451,000 एंड वन, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वंस अगेन देखिए, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको न्यूमिरेटर कहते हैं और नीचे वाला हिस्सा इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा छोटे बड़ा छोटा हो नीचे वाले से, न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ये बड़ा है और इसको 5 + 5 इसको जमा के तो 9/5 आएगा, तो ये भी इम्प्रॉपर है। तो बोध ए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन डी हो गया, नन ऑफ दीस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो ये हो गया दोस्तों आज का पार्ट, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।